Hey guys, welcome back to a new video. And guys, today I'm gonna provide you GTA San Andreas Ultimate Graphics Mod Pack. That's GTA San Andreas Insane Mod Pack. और ये Insane Mod Pack के अंदर आपको क्या क्या देखने के लिए मिलने वाला है वो मैं अभी आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ. So watch this video till end, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको और भी बहुत सारी इसकी जो इससे रिलेटेड जो चीजें हैं वो बताने वाला हूँ. Also एक इंपॉर्टेंट बात भी करनी है मेरे को वीडियो के बीच में. So watch this video till end, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है. एंड इसका जो गेम प्ले है वो मैं अभी आगे जाके रिवील करने वाला हूँ. सो वेट करिए, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि का जो गेम प्ले जब रिवील होगा तो आपको ट्रस्ट नहीं होगा कि ये गेम है. क्योंकि ये वाला जो गेम है लाइक आपके गेम को GTA San Andreas को GTA San Andreas में मास्टर्ड बना देगा, और वो भी आपके फोन के अंदर एक मोड पैक को डाउनलोड करने के बाद. ये मोड पैक मैं बोलूंगा कि आपका जो GTA 5 वाला जो ग्राफिक्स मोड पैक था उसको भी ये फेल कर देगा ग्राफिक्स के मामले में. क्योंकि ग्राफिक्स एंड जो क्वालिटी है वो भी मैं आपको पता लगने वाली है बेसिकली कौन सी और क्या क्वालिटी आपको देखने के लिए मिलने वाली है. और बहुत सारी जो स्पोर्ट्स कार्स है वो आपको इस मोड पैक के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे. साथ में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद आपको इतना ज्यादा बेनिफिट होने वाला है. आपको यहाँ पे हर दो दिन में एक बहुत ही बेहतरीन वाला ग्राफिक मोड पैक इस चैनल पे मिलता है आपके GTA San Andreas के लिए. एंड अब GTA Vice City के ऊपर भी वीडियोस लाने का मैं ट्राई कर रहा हूं, जहां पे आपको GTA Vice City के रिमास्टर्ड वर्जन के ग्राफिक्स मोड पैक और PC के अंदर GTA 5 के ग्राफिक्स मोड पैक भी आने वाले हैं. सो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे कर लो, क्योंकि सब्सक्राइब काफी सारे लोग हैं लेकिन बेल नोटिफिकेशन बहुत कम लोगों ने दबा रखा है. उस वजह से क्या होता है कि नोटिफिकेशन काफी कम लोगों के पास जाता है एंड काफी कम लोग वीडियो पे आते हैं, काफी लोग वीडियो मिस कर देते हैं. सो डोंट forget to on bell notification after subscribing. So don't forget, भूलना मत सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे कर देना. इस मोड पैक के बारे में आपको बताऊं तो इस मोड पैक के अंदर आपको एक्सट्रैक्ट करने से पहले बिफोर एक्सट्रैक्टिंग आपको पासवर्ड यूज करना पड़ेगा. पासवर्ड क्या रहेगा वो भी इस वीडियो के अंदर बताऊंगा. सो ये वीडियो पूरी देखना और सबसे पहले जाके सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे कर दो. कमेंट में मेरे को बोल दो मैंने बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दिया है. जल्दी से कमेंट भर दो, कमेंट के लाइन भर दो जितने लोग देख रहे हैं यहाँ पे. एंड ये जो वीडियो है ये कुछ ही टाइम पे स्टार्ट होने वाली है. सो लेट्स गो टू द इंस्टॉलेशन गाइस. सबसे पहले मैं आपको इंस्टॉलेशन दिखाऊंगा, बिकॉज इंस्टॉलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर गेम प्ले, ताकि आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि गेम के अंदर ये जो मोड पैक है वो किस तरीके से इंस्टॉल करना है. सो लेट्स गो टू द इंस्टॉलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल. या ओके, सो हम आ चुके हैं इंस्टॉलेशन की ओर. फाइल आपको डाउनलोड करनी है नीचे डिस्क्रिप्शन में से. पासवर्ड यहाँ पे आपको डालना है, यहाँ पे आप देख लो पासवर्ड आपको थोड़ा यूनिक डालना है. क्या डालना है? बाय एंड मिस्टर, यहाँ पे आप देख लो यही पासवर्ड आपको डालना रहेगा. भूलना मत यही पासवर्ड आपको डालना है, ठीक है. ये पासवर्ड डालने के बाद आपको एक्सट्रैक्टिंग का वेट करना है. जैसे ही एक्सट्रैक्ट हो जाता है आपको फोल्डर ओपन करना है. एंड फोल्डर ओपन करने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ से इसको कट कर देना, जो आपका मेन फोल्डर है इसे कट कर देना है. डिवाइस मेमोरी में जाना है, एंड्रॉयड में जाना है, डेटा में जाके यहाँ पे इसे पेस्ट कर देना है. दैट्स इट, हो गया. एंड जो फोल्डर मिलेगा उसको ओपन करो, फाइल्स में जाओ, TXDB में जाओ, उसमें जाने के बाद GTA 3 में जाओ. GTA 3 में आपको यहाँ पे रीनेम करना रहेगा. एंड आपको जो है यहाँ पे लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा कि आप जो है अपने GPU के अकॉर्डिंग रीनेम कर सकते हो. अगर आपको नहीं पता अपना GPU तो आप जो है बाय CPU Z एप्लीकेशन के द्वारा जो अपना GPU है वो पता कर सकते हो. उसका आपको जो APK है मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे आप प्ले स्टोर पर जाकर के डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो उसे. एंड 99% पीपल्स को तो पता होता है अपना GPU, तो बताने की जरूरत है नहीं. बैक आके TXT फोल्डर ओपन करना है, TXT फोल्डर को रीनेम करना है यहाँ पे. डोंट फॉरगेट टू रीनेम TXT फोल्डर, क्योंकि TXT फोल्डर को अगर रीनेम नहीं किया तो गेम क्रैश हो जाएगा, एज वेल एज GTA 3 को भी नहीं किया तो भी प्रॉब्लम होगी, ठीक है. यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं रीनेम कर रहा हूँ. पॉइंट की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए गाइस. जी हाँ, एक भी पॉइंट की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. कहने का मतलब ये कि बिल्कुल भी यहाँ पे एक भी छोटी सी मिस्टेक भी नहीं होनी चाहिए, वरना आपका जो गेम है वो क्रैश हो जाएगा. सो गेम खेलने से पहले बिफोर इंस्टॉलिंग ये चीज ध्यान रखना. एंड गाइस फाइनली ये गेम प्ले आपके सामने रिवील हो चुका है. ये है गेम प्ले जहाँ पे आपको स्पोर्ट्स कार्स देखने के लिए मिलने वाली है. बेस्ट स्काई
बॉक्स देखने के लिए मिलने वाला है, साथ में यहाँ पे बेस्ट टेक्सचर देखने के लिए मिलने वाले हैं, कुछ ऐसे प्रीमियम कार्ड्स यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाली है, कुछ ऐसे क्लोज स्क्रिप्ट्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलने वाली है, एंड आपको कुछ ऐसी जादुई चीजें इसके अंदर देखने के लिए मिलने वाली है जो कि आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस देने वाली है। इसको आप जेटी सिलेंडर रिमास्टर्ड बोल सकते हो क्योंकि ये आपके एंड्रॉइड डिवाइस के अंदर चल रहा है विद द अल्टीमेट बोर्ड, इसलिए मैंने इसको नाम दिया है GTA San Andreas Insane Mode Pack। एंड इस Insane Mode Pack के अंदर और क्या-क्या चीजें हैं वो आप इसको डाउनलोड करोगे तो आपको अच्छा अच्छे से पता लग जाएगा। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितनी सारी जो स्पोर्ट्स कार्स है वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगी, एंड बहुत ही अच्छा व्यू यहाँ पे मैंने ऐड किया है, प्लस साथ में एक बहुत ही अच्छा जो ट्रांसपेरेंट मैप है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, ऑफ हुड और ऑन हुड का भी ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, 3D कार व्यू देखने के लिए मिल जाएगा जो कि मेन चीज है, एंड ऑल्सो यहाँ पे जो पहाड़ी का जो बेसिकली व्यू है वो पूरा का पूरा चेंज होते हुए आपको दिखाई देगा, प्लेयर का जो एनिमेशन है वो भी आपको चेंज मिलेगा गाइस। जी हाँ, यहाँ पे जो प्लेयर एनिमेशन है वो भी आपको चेंज्ड मिलेगा, और इसी के साथ में और भी बहुत सारी इसमें चीजें जो है मैंने ऐड की है जो कि आपको बहुत ही ज्यादा इंप्रेस कर देगी जैसे आप इस गेम को खेलोगे। एंड यहाँ पे इसके बारे में जितना मैं बोलूं उतना कम है क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो इसका व्यू है, बेसिकली मुझे इसका व्यू बहुत अच्छा लगा। मेन चीज ये होता है कि आपके जो ग्राफिक नोटबैक में जो व्यू होता है, जैसे कि आप यहाँ पे जो कार का व्यू है वो देख सकते हो, नॉर्मल GTA San Andreas में विदाउट मोड ये चीज पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ये वाला जो मोड पैक है, चेंज योर गेम इंटू GTA San Andreas इंटू GTA San Andreas Remastered। यहाँ पे आपको जो क्लोज स्क्रिप्ट देखने के लिए मिलने वाली है आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, साथ में ऐसी बहुत सी चीजें जो है आपको देखने के लिए मिल जाएगी। सो गाइज आई थिंक ये आज के लिए काफी हो गया है क्योंकि ये जो मोड पैक है इसके बारे में मैंने सब कुछ बता ही दिया, कुछ बाकी नहीं रखा है। बाय द वे मैं वीडियो एंड करता हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए। सो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर कर देना यार, क्योंकि सब्सक्राइब ना करने की वजह से, बेल नोटिफिकेशन ना दबाने की वजह से ना ही आपको बेनिफिट होगा ना मुझे बेनिफिट होगा, तो आप सब्सक्राइब कर दोगे तो आपको भी फायदा होगा, मेरे को भी फायदा होगा और ये बिल्कुल फ्री होगा, तो ऑब्वियसली सब्सक्राइब कर दो यार। क्या जाता है, कोई भी पैसा नहीं मांगेगा आपसे सब्सक्राइब करने का बटन, सब्सक्राइब का बटन आपसे कोई भी एक रुपया भी नहीं मांगने वाला है, तो सब्सक्राइब को यार बिल्कुल दबा दो, वो भी कहेगा कि मेरे को दबाओ, साथ में वो आपको बेल नोटिफिकेशन भी देगा जैसे आप उसको दबाओगे, तो उस बेल नोटिफिकेशन को भी कृपया करके दबा दीजिएगा, डोंट फॉरगेट, क्योंकि बेल नोटिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्लीज गाइज मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आई मीट इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए यार टेक केयर एंड बाय बाय। Baby up with a slow motion crew, and we up in our growlings when people change but not us, and we just chillin', kicking it, kissed by the sun, could be soaked to the skin in the moss, and I know she got the good vibes when seasons change.